2020 का पहला दिन, आज के दिन पे मैच है या जो भी मेरे आसपास खास करके के, वो अपने सारे आदि व्याधि उपाधि से मुक्त रहे। आज मैं जो मेडिसिन डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है कोकस कैक्टाई। ये मेडिसिन मैं तीन डिजीज में ज्यादा यूज करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज करता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम खासकर ही आप मुंह खोलोगे तो आपको जो पार्ट दिखेगा उसकी साइज से एनलार्ज हो जा रहा है, कहीं मतलब कुछ खुजली जैसा आता है, कुछ फंसा हुआ लगता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि खांसने के बाद कफ निकलता है, वो कफ कैसा होता है, मतलब चिकना होता है, ठीक होता है, होता है गाढ़ा होता है, येलोइश होता है, रूपी होता है, और ऐसे कफ के बाद पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। कप पानी में 10 ग्लोब्यूल्स डिसॉल्व कर दो, एक कप पानी में 10 ग्लोब्यूल्स डिसॉल्व कर दो, और जो पानी तैयार हो उसको हर 2 घंटे पे 1 चम्मच पानी पीते रहो। 10 ग्लोब्यूल्स एक बार डाला है और जो भी लेने करीब है दूसरा यूज होता है किडनी प्रॉब्लम है। खास करके आप बोल सकते हो कि जो किडनी स्टोन होते हैं उसकी दवाई है। किडनी स्टोन के क्या सिम्टम्स होते हैं कि किडनी के पोर्शन से ओके पोर्शन में पीछे से यूरिन के कुछ पार्टिकल्स कण दिखाई दे रहे हैं, तो ये यूरिन स्टोन के लिए भी अच्छी दवाई है। एक और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ब्लीडिंग जो रक्त का कलर है वो डार्क होता है, काला होता है, काला ब्लीडिंग होता है और क्लॉट्स जाते हैं। क्लॉट्स मतलब वो जमा हुआ खून जाता है, मतलब वो पीरियड। और कई बार क्या होता है कि यूरिन में जलन को अच्छा लगता है और आई बॉल के बीच लगता है कि कुछ से हुआ। तो सबको या मुझे क्वेश्चन दिखाई दे, सस्टेन्ड इरेक्शन एज 43, मैंने इसके ज्यादा सेक्स में प्रॉब्लम होता है वो माइंड में होता है। सच में ऐसा लगता है कि हम सेक्स में फेल है कि ऐसा कुछ, लेकिन अभी ही मैंने एक मेडिसिन की है, डांस के प्रॉब्लम में काफी फायदा होता है। प्रॉब्लम है कुछ दिन तक लीजिए आप, और बाद में आप सिलिशिया 6x पोटेंसी में जो बायोकेमिक मेडिसिन है उसको 3-3 गोली 3 बार लीजिए। और अगर ज्यादा पेन है कॉटन पे जहां गम में या शशि बेले, हैप्पी न्यू ईयर सर। शशि जी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। डर्मेटोमाइसाइटिस एग्जैक्टली और क्या क्या सिम्टम्स, आप होम्योपैथी में डिजीज के नाम पे कभी दवाई नहीं होती है, आपको सिम्टम्स और पूरा डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कोकस कैक्टाई के लिए बात किया तो कैसा बताया कि ब्रश करते वक्त खांसी ज्यादा आती है और जो कफ निकलता है वो पाऊंगा। डज सिलिशिया टू क्योर ए शिवरिंग 30 डेली और 200 वीकली इंफेक्शन हो और ईयर में इंफेक्शन हड्डी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि हड्डी में कोई मतलब सड़क नहीं हो गया है, नहीं बन गई है, तो आप बिल्कुल बेदरकार नहीं रही है। आप आपके डॉक्टर से ये शायद हो सकते हैं कि वो आपको ऑपरेशन भी सजेस्ट करे। तो ज्यादा कुलदीप सिंह आप कीजिए। संदीप बार सर, बाल
बालों की ग्रोथ नहीं होती रही। संदीप जी, बालों के ग्रोथ के लिए आप आपकी एज वगैरह बताइए, लेकिन बढ़ता हुआ होगा तो वो बंद हो जाएगा। दूसरा कि आप आर्नी का मदर टिंचर फॉर्म में जो एक्सटर्नल यूज होता है, आर्नी का, चाइना और जबोरांडी, उसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए। आप ये सभी मदर टिंचर में खरीद लीजिए और उसका एक सॉल्यूशन बना के, मतलब लिक्विड तैयार रखिए, और जब भी आप बाल में हेयर ऑयल डालो तब ये वो हेयर ऑयल के साथ ये दवाई है जो मैंने बताई वो मिक्स करके, कुछ ड्रॉप्स उसमें मिक्स करके आप लोकल एप्लीकेशन कीजिए, तो उससे आपका हेयर का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। स्केबीज, स्केबीज वो इन्फेक्शियस डिजीज है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे लेने से, और मैंने बोला वो प्रिकॉशंस आप रखने से आपका स्केबीज ठीक हो जाएगा। और स्केबीज के साथ साथ जो स्केबीज की वजह से बालों में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल वगैरह, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। नितिन नरूला बता रहे हैं कि नेटवर्क इज वीक, या आपकी बात सही है कि लाइव क्लिनिक में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, 2-3 बार नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है। संदीप बता रहे हैं रीग्रोथ के लिए कोई मेडिसिन। जी, रीग्रोथ के लिए मैंने बताया वही है कि आप ये दवाइयां हैं अर्निका, चाइना, जबोरंडी, ये सबको मिक्स करके आप आपके ऑयल के साथ लगा के सिर में लगाई, उससे फायदा होगा। चक्रवर्ती पूछ रहे हैं सर, कफ, कोल्ड, बॉडी पेन, रनिंग नोज, नोज में जलन, क्या लू सर बताइए। कफ कोल्ड है और बॉडी में पेन भी है, तो अगर आपको प्यास ज्यादा नहीं लग रही हो ये सबके साथ और सोने का मन हो रहा हो और बॉडी ज्यादा हो, तो आप जैल्सेमियम लीजिए। जैल्सेमियम 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 4 बार लेने से आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है, मतलब बहुत क्वांटिटी में पानी का पीने का मन हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा यूपेटोरियम परफोरेटम लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप ठंडी हवा से आपको सर्दी हुई है, तो एकोनाइट 30 3-3 गोली 4 बार लीजिए, तो उससे उसकी वजह से प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, यूपेटोरियम परफोरेटम भी ले सकते हैं। तेजस्वनी यार जो, लेकिन मुझे यहाँ लोकेशन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है इस, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस को आगे नहीं देख पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैं अपलोड्स करने जाऊँ वो बेड वेटिंग पे और अस्थमा पे मैं बात करूंगा, मेरे वीडियो में अपलोड्स करूंगा। और फिर से थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि आप यहाँ बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको का लाइव क्लिनिक खत्म करते हैं।